दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल ग्रुप के माध्यम से। जो आज मैं आप सभी के बीच प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, इस प्रॉब्लम को आप लोग देखेंगे। ये फ्लिप्स का टीवी है, 20 इंच का सीआरटी टीवी। वैसे है तो ये ऊपर से देखने में फ्लिप्स का, लेकिन ये अंदर जो किट लगा हुआ है, मैंने इसका बैक कवर पहले ओपन कर दिया है और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं अभी आप सभी से शेयर करता हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं टीवी ऑन करके दिखाता हूँ और इस प्रॉब्लम को देखेंगे और इसका सलूशन ढूंढेंगे और इसको ठीक करेंगे। देखिए, अभी ये टीवी पूरा फुल स्क्रीन में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसके साइड में देखिए, इस जगह पे धीरे धीरे लहराता हुआ पिक्चर कट रहा है। आज इस टीवी में यही प्रॉब्लम है, हालांकि इसमें लोकल किट लगा हुआ है। हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि ये लहराता क्यों है। और इसका एक और उपाय है, जो कि हम इस ट्रिमर के माध्यम से वोल्टेज बढ़ा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं, ये देखिए साइड का पिक्चर जो है धीरे धीरे कभी कभी करता है। मैं इसको घुमाता भी हूँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्यूनिंग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं पूरा फुल कम ज़्यादा करता हूँ, कुछ नहीं होता, पिक्चर वैसे के वैसे है। मेरा ये प्रीसेट भी काम नहीं कर रहा, जबकि ये प्रीसेट नया प्रीसेट है। इस सिचुएशन में हम ये चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आइए देखते हैं, कैपेसिटर पे, पावर सप्लाई के कैपेसिटर पे, उसके बाद हम ये चेक करेंगे। ये देखिए दोस्त, ये जो यहाँ से अर्थ जा रही है ना, जो अर्थ हमारे यहाँ से होकर के ऐसे होकर के इस ट्रांजिस्टर से को अर्थ मिलना चाहिए, इस ट्रांजिस्टर को जो अर्थ मिलना चाहिए नेगेटिव, वो नेगेटिव कम मिल रही है। यहाँ तो यहाँ भी नेगेटिव दिख रही है। ये देखिए, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, यानी कि इसका नेगेटिव सप्लाई जो है, जो यहाँ इस पॉइंट पे जो नेगेटिव आती है वो हमारा कम आ रहा है। इस पे हमारा नेगेटिव दबा रहा है, ये देख सकते हैं मीटर में, यहाँ पे पूरे वोल्ट में आ रही है पॉजिटिव। तो दोस्तों, हमारा जो इस पॉइंट पे अर्थ आता है, इस पॉइंट पे और ये जो है, ये दोनों पॉइंट पे अर्थ आता है, और ये दोनों जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस और ये दोनों प्लस। अब इन पे जो है माइनस आ रहा है, पर माइनस कम आ रहा है, यानी कि जो इसमें ये फिल्टर कर रखा है रेजिस्टेंस और रेक्टिफायर द्वारा, ये रेजिस्टेंस जो हमारे, ये जो हमारा 3807 से निगेटिव इस ट्रांसफार्मर पे निकला है प्राइमरी पे, इसमें इस बीच में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का मामला होता है या फिर रेक्टिफायर का मामला होता है, जो ये खराब हो जाने पे इस पे वोल्टेज कम पहुंचती है। अगर ये रेक्टिफायर खराब होता तो हमारा पावर सप्लाई बंद होता, टीवी ऑन नहीं होती। बट हमारा रेक्टिफायर सही है, इस वजह से हम रेजिस्टेंस को चेंज करके हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम हल हुआ कि नहीं। जो हमारा ये पिक्चर कटने की साइड से है और ये मेरा प्रीसेट काम नहीं कर रहा, ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं और पिक्चर मेरा सही हो रहा है कि नहीं। पहले हम ये जो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है इसको हम चेंज करेंगे। तीसरा जो हमारा यहाँ इस अर्थ पे गया है, इसको हम बाद में करेंगे चेंज, पहले हम इसको और इसको, जो हमारा ये रेक्टिफायर के द्वारा ब्रिज बन के इस ट्रांसफार्मर पे अर्थ दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। पहले हम इन दोनों को चेंज करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये जो हमारा दोनों रेजिस्टेंस है 1 और 2, इन दोनों को हम, इसको हम बाद में करेंगे, इन दोनों को पहले हम चेंज करके फिर हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रीसेट है ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर मेरा ये जिनर खराब होता तो ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होता, टीवी ऑन नहीं होता, बट ऑन भी हो रही है। ये 3807 भी ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर भी ठीक है, ये ट्रांजिस्टर भी ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। हमारा बस इस रेजिस्टेंस को देखना है कि ये रेजिस्टेंस हमारा चेंज होने के बाद में प्रॉब्लम हल होता है कि नहीं। आइए दोस्तों, दिखाते हैं। हमने ये दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है,
ये मेरा दोनों रेजिस्टेंस है जो मैंने चेंज कर दिया है, मैंने नया रेजिस्टेंस लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है ये दोनों। अब मैं टीवी ऑन करके दिखाता हूँ आप सभी को, और मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा प्रीसेट जो काम नहीं कर रहा था ये मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले मैं टीवी ऑन कर दूँ, तो देखिए दोस्तों मेरा टीवी ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों मेरा प्रीसेट अब काम कर रहा है, मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ इसका वोल्टेज तो मेरा काम कर रहा है ये। अब मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, मेरा प्रीसेट काम कर रहा है, पावर सप्लाई ओके है। मैं इसको तो देखिए दोस्तों मेरा टीवी ओके हो चुका है। अब मेरा जो ये साइड से लहरा रहा था वो भी नहीं लहरा रहा है। आप लोगों को बता दूं अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं साउंड बढ़ा के दिखाता हूं आपको। पिक्चर भी जो काम रहा था वो पिक्चर मेरा सही काम कर रहा है, देख सकते हैं आप मेरा टीवी फुल ओके है। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा वीडियो आपने देखा और इसमें जो मैंने जानकारी दी है उसको आप याद रखिएगा। बस इसका ये पावर सप्लाई का रेजिस्टेंस वीक था और इस वजह से जो है ये रेजिस्टेंस जब मैंने चेंज किया है तब जा करके इसका वोल्टेज सही हुआ है, तब जा करके ये इसका 2202 जो प्रीसेट है ये काम करना चालू किया है। अब मेरा टीवी फुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।